लो जी, एक किवाड़ खुल गया हमारे खजाने का। ये सारा खजाना है जो आप यमुनानगर वालों के प्यार से ना बहुत ज़्यादा चल रहा है। यमुनानगर की ना सबसे ट्रेंडिंग, मैं मान के चलूँ, चलती फिरती नॉन वेज की दुकान पे हो। तो देखो भैया तो अभी खड़े हुए हैं, भैया वाले तो ना सेटअप पे नज़र डालो भाई साहब। मतलब यमुनानगर में मैंने ऐसा सेटअप नहीं देखा होगा नॉन वेज का। क्या हाल है भैया? बढ़िया जी, आप सुनाइए। नमस्कार आपको। नमस्कार जी, नमस्कार। ना की अपना सर? सर जी राजेश छाबड़ा। राजेश छाबड़ा, तो ये कहाँ से आइडिया है आपको? मतलब गाड़ी में दुकान खोल दी आपने पूरी? बस पेट करवाता है जी। नहीं पेट तो कराता है पर दिमाग तो चाहिए। जैसे आपने दिमाग पूरा सर आपने, आप मतलब मेरे हिसाब से तो पूरा रेस्टोरेंट ही खोल दिया आपने। इतनी आइटम्स मैंने कभी ना गाड़ियों में देखी है, जरूर है। बस हमारे दोस्तों का प्यार है जी कि लोग सेटअप जरूर लगाते हैं। बट मैंने जो सुना ना आपकी नंबर ऑफ आइटम्स भी बहुत ज्यादा होती है, तो कौन कौन से आइटम सर्व करते हो वैसे आप? सर जी लेमन चिकन होता है, बटर चिकन होता है, होममेड चिकन होता है, मटन होता है, कीमा ग्लेजी होती है। अच्छा, ये होममेड चिकन क्या मतलब घर से घर वाला स्वाद है जी? हर चीज में घर वाला स्वाद। हमने नमक मिर्च भी नहीं रखा हुआ। अच्छा, नमक मिर्च भी नहीं रखा हुआ ना किसी ने मांगा आज तक। अब ये तराजू मुझे समझ नहीं आ रहा, तराजू में क्या देते हो? ये तोल के देते हैं जी हम। क्या चिकन तोल के देते हो? चिकन तोल। अच्छा नॉन वेज तोल के देते हो? मतलब ये तो एक अलग ही चीज होगी। तो नॉन वेज तोल के कौन देता है? मतलब लोग पीसेस के हिसाब से देते हैं, आप तोल के खिला रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो तोल के क्या हिसाब रहता है अपना फिर? सर 150 रुपए पाइए चिकन है जी, 300 रुपए पाइए मटन है जी। अच्छा जी, 300 रुपए पाइए कीमा ग्लेजी है जी। ठीक है जी, चिकन सारा 150 रुपए पाइए जी। 150 रुपए पाइए। तो एक बार भैया से आइटम्स भी देख लेते हैं, फिर भैया से पूछते हैं क्या टाइमिंग रहती है, क्या चीज़ है। पहले तो ये सारी की सारी जो आपके बर्तन है डेली फ्रेश है जी? डेली फ्रेश है। ग्रेवी फ्रेश बनती है, कोई पहले नहीं, डेली 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाता है माल सारा। तो एक बारी अपना दर्शन भी करा दो, क्या क्या चीजें हैं अपने पास? लो सर ये कीमा ग्लेजी है जी। अपनी कीमा ग्लेजी, क्या बात है। देखो क्वांटिटी हर चीज की ना बताते हैं भैया, एक नॉमिनल क्वांटिटी बनाते हैं कोई कोई चीज की, वरना तो भर के आती है सारी चीजें, ताकि एकदम फ्रेश कंज्यूम हो सके, सेम डे हो जाए निपटारा अगले दिन, ताकि फिर फ्रेश बन जाए। लेट हो गया मुझे लगता है आज फिर से। ये बटर चिकन है जी। देखो भैया से कल बात करके गया था, तो भैया ने कहा था 7 बजे आ जाना, क्योंकि 8 बजे तो आधा माल निमट जाता। देखो आधी आधी तो ये चीजें कहाँ से तो खाली होने ही लग गए। इसमें क्या है जी? ये होममेड चिकन है जी। देखो जो कहते हैं ना पतली तरी वाला होममेड चिकन, हुए भाई होममेड चिकन करी की ना, यही खास बात है कि एकदम लाइट होती है करी उसकी। देखो कितने शानदार जानदार लग रहे हैं ना चिकन करी। मेरे को लगता है कि ये सबसे बेस्ट डिश होने वाली है भैया की, होममेड चिकन करी है जो। ये लेमन चिकन है जी। लेमन चिकन है, क्या बात है। रंगत देखो कितनी बढ़िया है, भर के चीज प्योर लेमन है। आप देखो दिखने में कितना प्यार बढ़िया लग रहा है, खाने में तो इसका स्वाद ही अलग होगा, क्या बात है। तवा के नीचे वाले में मटन है जी। मटन, ये मटन है जी। ये आधे से ज्यादा बिक गया जी। वही देख रहा हूँ, शौकीन लोग मटन के ज्यादा होते हैं, पहले मटन ही नहीं मटता है। और मटन की ग्रेवी का टेक्सचर देखो आप, रोगन ऊपर आ रहा है, बट टेक्सचर देखो कितना बढ़िया है दिखने में। कीमा ग्लेजी और ये आधा बिक गया जी, क्या बात है। तो हम ही लेट है। कितने कितने साल हो गए हैं वैसे अपने को? 3-3.5 साल हो गए। 3-3.5 साल हो गए। आपने बताया था कोई रेस्टोरेंट भी है शायद पीछे? हाँ, पीछे है जी। तो 3-3.5 साल दोपहर को वही होता है जी सब। दोपहर को वही होता है और शाम को 1 से लेकर 7 बजे तक वही। यहाँ कितने बजे से कितने बजे तक होते हो? 7 से लेकर जब तक माल होता है। 7 से लेकर जब तक माल, बाकी मैं तो कहूंगा जब तक माल क्या होता है, आप जितनी जल्दी आ जाओ उतना बढ़िया। 10 बजे, 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी। मुझे नहीं लगता कि मैं खुद आज लेट हूँ, और आधे आधे पतीले पहले से ही खाली है। अपना एड्रेस की रहेगा था हमारा? गोंदपुरा रोड सर, कैप्सन चौक के नियर, मॉडल टाउन ही है ना? मॉडल टाउन कैप्सन चौक के पास। हाँ जी, कैप्सन मॉल है जो, कैप्सन मॉल के बाहर सामने। बाकी तो मुझे नहीं लगता आप आजू बाजू की चीजें पूछोगे तो बंदा अपने आप ही इशारा करके बता देगा वैन लगती है। बढ़िया बढ़िया सर। तो हमें क्या खिलवा रहे हो फिर आज? आप जो कहोगे वो खिलाओ, मुझे तो घर वाला स्वाद खिलाओ। आप जो होममेड चिकन करी है ना आपकी, उसके साथ क्या देते हो? राइस देते हो, रोटी देते हो? रोटी होती है एमपी आटे की। अच्छा, रोटी घर से बना के लाते हो? एक बार रोटी की रंगत भी दिखा दो। पी के आटे की, प्योर आटा यूज कर दो? हाँ जी हाँ जी, प्योर। कोई ये जो मजा है ना, देखो घर के स्वाद का, रोटियों का भी और घर की चिकन करी का भी, इसको खाने का मजा ही अलग आएगा। तो रोटी का की प्राइस रहता है अपना? 10 रुपए। 10 रुपए रोटी, बहुत रीजनेबल प्राइस है 10 रुपए की रोटी। ये देखो ये भैया, ये बटर चिकन है। बटर चिकन जा रहा है, तो बटर चिकन की दुकान भी बहुत है। भैया कहते हैं जब से लग रहा है आप तब से आ रहे हो क्या? हाँ जी हाँ जी, जब से लग रहा है तब से आ रहे हो, क्या बात है। इनके व्यू लो सर, बहुत बढ़िया। तो कस्टमर से बेटर तो कोई व्यू नहीं होता। हम तो पहली बार आए हैं, भैया कह रहे रेगुलर आते हैं यहाँ।
ये देखो अंकल ने ना वजन करके दे दिया, ये वजन के हिसाब से जाता है यहाँ से। ये होममेड चिकन है जी, देखो गरम करके जा रहा है। नहीं, अपने आप में काबिले तारीफ है कि अंकल ने ना इसी गाड़ी के अंदर ही पूरा सेटअप बना दिया। यहाँ ना आप देखो डिलीवरी का काम इतना है कि घरों में ना पैक हो के जाता है, क्योंकि भैया देते हैं वेट के हिसाब से। अब ये लेमन चिकन का आ गया, देखो ये भी वेट के हिसाब से जाएगा। यहाँ आप लोग हाफ मांगते हो और लोग लेते हैं जी हाफ, फुल आधा किलो दे दो, एक किलो दे दो। ये लेमन चिकन आ गया आपका। ये आमतौर पे ना आप ये वर्ड्स कम सुनते होंगे, पाइए आधी किलो किलो, ये आपको ना राजेश सर की वैन पे मिलेगा देखने को। तो बोले आप यमुनानगर के राजेश खन्ना हो फिर छाए हुए हो, आपका आशीर्वाद है जी। बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद नहीं है, क्वालिटी है आपकी। कस्टमर का आशीर्वाद है, प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जूस कर दो मेरा। ये आ गया जी बटर चिकन। तो भैया से भी अपने लिए भी लगवा लेते हैं, होममेड चिकन साथ में लेंगे, प्योर शुद्ध आटे की रोटी एमपी की। हम मजा लेंगे जी घर वाले चिकन का, पतली तरी है एकदम जैसे घर में होती है ना आपके। तो ये होममेड चिकन आ गया हमारा, साथ में हम ले लेंगे एक रोटी। भाजी आया स्वाद, आई लव यू हो गया अंकल से, आई लव यू हो गया। हाँ, तो फिर मुझे छोड़ के जा रहे हो? नहीं, टॉमे कैसे छोड़ देंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये मटन बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, लेमन बनाते हैं, और सबसे ज्यादा क्या बनाते हैं? रिश्ते बनाते हैं सबसे ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी सर, सर्दी में सोल फिश भी बनती है, सिंगाड़ा फिश भी होती है, मली फिश भी होती है। मतलब सर्दियों का नजारा अलग ही है। मतलब आप ये कह रहे हो पाजी सर्दियों में दोबारा आना पड़ेगा, आई लव यू हो गया आपको। बुकिंग कर रहे हैं ना सारे, इस सर्दियों में दोबारा आना पड़ेगा। सर्दियों की पक्का कर दिया हमें, फिश भी मुझे कस्टमर ने ही शुरू करवाई जबरदस्ती। क्या बात है, उनको पता ना आपके हाथ का स्वाद। लो जी चिकन करी हमारी तैयार है, साथ में ले लेते हैं एक रोटी, वो भी घर की बनी हुई। ये अंकल भी व्यस्त हैं और साथ में वीर जी आए हैं स्पेशल। वीर जी रेगुलर आते रहते हो? हाँ रेगुलर आए थे जी, दो तीन दिन छड़ के जी। दो तीन दिन छड़ के जी, तुझे क्या जी किलो किलो खा जाते हो? और जी और बहुत ला ली था जी, किलो किलो ला ली था। क्या बात है, इतना इतना शानदार है। नहीं बहुत बढ़िया जी, होममेड है। क्या बात है, वही होममेड ही लगवाया अपने लिए भी मैंने। क्या बात, इंग्रेडिएंट्स वो भी इन्हां दे बिल्कुल बढ़िया होंदे आ, घर दे होंदे, जिवें तेल हो गया सरसों तेल, रिफाइंड नहीं यूज करदे, मसाले तेज नहीं यूज करदे, बिल्कुल बिल्कुल मसाले कुछ यूज करदे आ। मतलब घर वाला स्वाद आपको यहां वैन में मिल रहा है। दूजी गाड़ी सप्ताह दा इन्हां दा 10 बजे तक खत्म हो जांदा। क्या बात, हर रोज मुझे नहीं लगता 10 बजे तक भी रुकता होगा। हां बस मतलब मैक्सिमम। चलो शुक्रिया शुक्रिया वीर जी। लाइन से जो आप गाड़ियां देख रहे हो ना, जितना क्रीम क्राउड है यमुनानगर का, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां इस वैन के लिए यहां पे लगती हैं। आगे तो लगवाइए होममेड करी, क्योंकि अंकल की बातों में ना घर वाला ही स्वाद था, और आई एम श्योर कि ये जो बना हुआ है ना चिकन, इसमें भी पूरा घर वाला ही स्वाद होगा। इनकी करी है ना, देखो क्लोजअप से दिखा देता हूँ आपको, एकदम पतली करी जो हम घर में खाते हैं ना। ओह तरी का टेस्ट इतना लाजवाब है। हाँ, मज़ा आ गया खा के। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ ना यमुनानगर का, मेरा ये जो ट्रिप आज फाइनल वीडियो होगा मेरा, यमुनानगर का जो मेरा ट्रिप गया है ना, ये एंड अत गया अत। मतलब ये जो मैं खा के जा रहा हूँ ना यमुनानगर की, ये याद मैं अपने दिमाग में लेके जाऊँगा। आपको भी ये बेहतरीन घर के बने हुए जायके मटन चिकन खाने, तो राजेश भैया के पास आ जाओ। लोकेशन और एड्रेस भैया ने आपको बता ही दिया है, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, फ़ोन कर लेना लोकेशन ना मिले तो। मैं तो लेता हूँ जी अपने स्वादी चिकन का आनंद, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए, आपका अपना प्रभजोत सिंह फूड कल्ट से।